बेगूसराय में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं के बीच बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बेगूसराय पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमरजीत पासवान उर्फ गुलाबिया को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी नावकोठी थाना क्षेत्र के दियारा इलाके से की गई है। प्रेस को संबोधित करते हुए बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि नावकोठी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना मिली थी कि अमरजीत पासवान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। इसी सूचना के आधार पर बखरी DSP के नेतृत्व में नावकोठी थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में छापेमारी की गई और मौके से कुख्यात अपराधी अमरजीत पासवान उर्फ गुलाबिया को धर दबोचा गया। इस दौरान पुलिस ने अपराधी के पास से 2 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। SP ने बताया कि यह एक कुख्यात और क्षेत्र का सबसे चर्चित अपराधी भी था। अमरजीत पासवान पर वखरी, नीमा चांदपुरा तथा नावकोठी थाना में कई आपराधिक मामला दर्ज है। बेगूसराय पुलिस लगातार अपनी मुहिम चला रही है, उसी क्रम में कल SDPO बखरी के नेतृत्व में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उस क्षेत्र के एक दुर्दांत अपराधी अमरजीत पासवान और गुलाबिया इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी गिरफ्तारी होते ही इसके साथ में 2 पिस्तौल मिले हैं, देसी पिस्तौल, और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि इस पर 7 जघन्य मामले, जो कि लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार से जुड़े हुए थे, आर्म्ड सेक्स से थे, वो भी हम लोग को पता चले हैं। तो निश्चित ही इसकी गिरफ्तारी से उस दियारा क्षेत्र में जो अपराध की घटनाएं हो सकती थी उन पर रोकथाम लग गई है, और जो घटनाएं इसमें की थी उसमें रिमांड इसको किया जाएगा और जल्द ही उनमें चार्जशीट दाखिल की जाएगी कोर्ट में। SDPO बकरी ने अपने नेतृत्व में बड़ा ही बेहतरीन काम किया है, तो मैं अपनी तरफ से इनको पुरस्कृत करूंगा। और मैंने सभी थानाध्यक्ष और SDPOs को आदेश दिया है कि आपके यहाँ जितने भी अपराधी हैं सबकी एक लिस्ट बना के जल्दी सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद सर। इनका सर इस बकरी में चंदपुरा में है, चौथम थाना में है, बकरी में है और नौकोठी थाने में है। आप देख सकते हैं कि उस क्षेत्र के आसपास के कई थानों में इसका अपराधी इतिहास था। दूसरे जिला से भी कई थाने, जी हाँ, चौथा और भी जो आसपास के हमारे जिले हैं, हम वहाँ से वायरलेस करके इनका आपराधिक इतिहास मंगाएंगे। एक बड़े अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने, हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम।